Hey guys, welcome to my another new vlog. हमारे घर में है ना कोई ना कोई कभी ना कभी मतलब हमेशा कोई ना कोई बीमारी रहता है, कुछ ना कुछ हुआ रहता है, कभी टाइफाइड किसी को जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एंड मेरे भी पैर में भी दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि एक दिन में ऐसे ही हम एक्सरसाइज कर रहे थे और भाग रहा था तो ये पैर है ना ऊंची नीची जगह पे ऐसे मतलब टिक गया था, रखा गया था, तो हुआ ये कि मोच आ गई इसमें शायद, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस टाइम, पेन नहीं हुआ। बट अभी ऊंची नीची जगहों पे ऐसे पैड़ियाँ चढ़ते हुए भी अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो भी बहुत पेन करने लग जाता है एकदम से, तो इसलिए मैं जिम भी मैंने स्टार्ट नहीं की। तो अभी मैं सोच रहा था कि जिम शुरू करूँ बट ये दिक्कत है, तो पहले अभी इसको दिखाते हैं। और मेरी सिस्टर है जो उसको ही प्रॉब्लम है, उसको नज़ला है और यहाँ नाक की हड्डी है जो इसकी उठी हुई है वो दिखाएंगे आज, देखते हैं अभी। जो मतलब यूथ फेस्टिवल इसने पार्टिसिपेट किया था उसका, तो उसको काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है, क्योंकि धूल से भी एलर्जी है उसका, तो अभी और नज़ले की वजह से भी मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो अभी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं इसके लिए, तो चलो चलते हैं। तो गए हैं यहाँ पे पर कोई दिख नहीं रहा मेरे को, अभी देखते हैं कॉल करके अगर मिलते हैं तो, मिल जाए तो अच्छा है। सो दिस इज लेंस जो कि मैंने अभी लिया है, क्योंकि जब हम लाल किला गए थे तो ये देख रहे हो जैसे थर्ड वाला, उसमें लेंस नहीं है, ये टूट गया था और अच्छा हुआ कि मैंने लगाया हुआ था, नहीं तो कैमरा है जो वही ख़राब हो जाता सीधा, डायरेक्टली वही लगता। नीचे रख के हम फोटो खींच रहे थे और ये सीधा डायरेक्टली नीचे गिर गया, तो टूट गया था इसीलिए फिर अभी इसको रिप्लेस करना पड़ेगा सेफ्टी के लिए, तो आई बॉट दिस वन टुडे। है उसकी नाक की जो ये हड्डी है ना ये बड़ी हो गई है, नज़ला हो गया उसको,
तो उसका तो एक ही इलाज है कि उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और उसकी वजह से वो बहुत मतलब परेशान रहती है। और मेरे पैर का है जो, तो वो तो ठीक है बिल्कुल ही, उन्होंने बोला कि बस ऊपर नीचे पैर जो मतलब कहीं रखा जाता है उससे बचो बस, सिर्फ बस और कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगा अपने आप ही, उसको रेस्ट दो। एंड बहुत अच्छी बात है कि कुछ हुआ नहीं, मैंने सोचा कहीं हड्डी वड्डी ना सरक गई हो और ऐसा कुछ ना हो गया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अच्छी बात है। बट जो सिस्टर है उसका तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो अभी देखेंगे किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे, अच्छे डॉक्टर को वहाँ पे जो सर्जन होगा अच्छा, तो देखते हैं फिर। और मेरे पैर में दिक्कत थी ना, इसीलिए मैं मतलब जिम भी नहीं जाता था, मैंने जिम भी अवॉइड कर रखी थी, जैसे उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं थाइज की एक्सरसाइज होती है उसमें जो स्क्वाट्स लगाते हैं उसमें भी दिक्कत होएगी, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था जिम को कि यार कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि यू नो जिम में ऊपर नीचे पैर तो होता ही है, तो इसलिए मैंने जिम भी छोड़ रखी थी। सोचा था पहले ही स्टार्ट करूँगा, बट ऑलमोस्ट अ मंथ निकल गया है तो मैंने नहीं किया था। सो गाइस, इट्स द 1st of December एंड आई डिसाइड टू गो टू जिम बिकॉज मुझे जिम छोड़े हुए ऑलमोस्ट 6-7 months हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अभी स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज बॉडी है जो अभी वीक हो रही है, कह सकते हैं कि अब उस पोजीशन पे नहीं रही है जिस पोजीशन पे पहले थी, तो आई डिसाइड टू गो टू जिम ताकि वो चीज़ है जो मैं पहले वाली रिकवर कर सकूं। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है क्योंकि काफ़ी टाइम से जिम कर रहे हैं, तो मसल्स है जो मैच्योर हो जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आई हैव टू वर्क आउट। तो चलो अभी चलते हैं।